हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एमटीआर गुलाब जामुन। हमने लिए हैं एमटीआर के 2 पैकेट्स। आटे को हमने इस तरह से एक बाउल में डाल दिया है। आटे में इस तरह से धीरे धीरे करके पानी को ऐड करना है और डो रेडी करना है। इस तरह से जामुन के आटे को अच्छे से गुन के डो रेडी करके 2 घंटे 10 मिनट भी बना सकते हैं। अच्छे से गुन के डो रेडी करके ढक्कन से ढक दीजिए 2 घंटे तक। इस तरह से थोड़ा से आटे को लेके गोल गोल शेप में बना लेना है। अच्छे से प्रेस कर लीजिए। इस तरह से जामुन को गोल गोल कर लिया है हमने। ऑयल अच्छे तरह से गर्म हो चुका है, एक एक करके ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से कलर चेंज होने तक धीमी आंच पे पका लेंगे। इस तरह से धीमी आंच पे जामुन, ड्राई जामुन रेडी हो चुके हैं, कलर भी अच्छे से आ चुका है। जामुन के लिक्विड के लिए इस तरह से 2 लोटे पानी लिया है हमने, अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमने लिया है जामुन के लिए क्रिस्टल शुगर गुड लाइफ का, 2 डब्बा शुगर हम पानी में ऐड कर लेंगे। शुगर ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। लिक्विड में ऐड करने के लिए इतने से इलायची ले लिया है हमने, कूट के बारीक पीस के पाउडर निकालेंगे। जामुन की चाशनी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम एक एक करके ड्राई जामुन को ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं चाशनी और जामुन में पीसा हुआ इलायची का पाउडर। इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और महकने भी लगेंगे जामुन। जामुन को अच्छे से भिगने दीजिए। जामुन रेडी हो चुके हैं, अच्छे से भीग चुके हैं। कैसा लगा? कलरफुल ना, दिवाली के लिए तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सिंपल रेसिपी है, आप भी घर पे ट्राई कीजिए। गुलाब जामुन रेडी टू ईट। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।